हेलो फ्रेंड्स, अन अकेडमी के नए चैनल B2M पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसमें आपको बिगिनिंग से स्टार्टिंग करवाई जाएगी, जीरो से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा और मास्टर 100% तक आपको पहुँचाया जाएगा। बेसिकली इस चैनल के पीछे मोटो है, एवरी मास्टर वाज वंस ए बिगिनर और एवरी प्रो वाज वंस एन अमेच्योर। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करवाया जाएगा और पूरी कवरेज आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। एक्सट्रीम बेसिक से रिलेटेड लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा और स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आपको मिलेंगी जिनसे आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक समरीज, नोट्स, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इट इज़ दी वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर आपको पूरी UPSC की तैयारी से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। सो लेट्स लेट क्रैक इट। आप भी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, अन अकेडमी के साथ आप जुड़िए। यहाँ पर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस लर्निंग ऐप पर जाकर आप मुझे विष्णु अग्रवाल के नाम से सर्च कीजिएगा तो मेरी जो भी क्लासेज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरी काफ़ी फ्री क्लासेज हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी और फ्री क्लासेज के बेसिस पर आप प्लस का और आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी कुछ फ्री स्पेशल क्लासेज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अन अकेडमी पर आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस एंड आइकोनिक। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेज मिलेंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड लाइव क्लासेज रहती है और ये रिकॉर्ड हो जाती है। बाय चांस मान लीजिए आपने कोई लाइव क्लास मिस कर दी है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स को आप बाद में कितनी भी बार देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्रीलिम्स की, जिसमें आपकी अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए आप एकदम से नए हैं, अभी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है, आपको पर्सनल कोच की जरूरत है जो आप पर पूरी तरह से फोकस करें, तो आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपके डेली बेसिस पर मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और जिसका आपको रेगुलर फीडबैक भी दिया जाएगा। अगर हम GS प्लस की बात करें तो GS प्लस में आपको काफ़ी चॉइसेस दी गई है जिसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के प्लान बेस्ट माने जाते हैं। अगर हम आइकोनिक की बात करें तो इसमें भी 3 चॉइसेस आपको दी गई है। आप प्रिपरेशन में कौन सी स्टेज पर है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर प्लान को चूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोड, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें इस कोड को यूज करना ना भूलें। इमीजिएटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप EMI का ऑप्शन ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF नोट्स ये सब भी अवेलेबल हो जाएंगे और मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा। सो दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कोड IAS की एग्जाम ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इमीजिएटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 3 साल के आइकोनिक प्लान की कॉस्ट है 1,41,000, तो आपको 10% के डिस्काउंट के बाद 1,26,900 रुपीज ही यहाँ पर पे करने रहेंगे। ऑप्शनल का मॉड्यूल अब अलग कर दिया गया है जिसमें 5 चॉइसेज आपको दी गई है और जिसमें 1 ईयर का प्लान सबसे बेस्ट माना जाता है। अगेन दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें इस कोड को यूज करना ना भूलें। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ विष्णु अग्रवाल। मैंने 19 ईयर्स की एज में CA कम्प्लीट कर लिया था। मैं 2 टाइम्स UPSC CAC इंटरव्यू में अपेयर हो चुका हूँ। प्रीलिम्स में मैंने 140+ एंड UPSC 2016 मेंस में मैंने 837 का स्कोर किया है। मुझे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरी क्लासेज के बारे में लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, unacademy_vishnu। मेरी जितनी भी क्लासेज हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। लेक्चर नंबर 9 आज हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम इंडियन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक चीज के बारे में अगर कभी आपने सोचा है कि हमारी कंट्री में रुपीज यूज होता है, USA में डॉलर यूज होता है और दूसरी कंट्री में और दूसरी करेंसी यूज होती है, ऐसा क्यों, वाई सो? देखिए, आप एक चीज नोट कीजिए, इंडिया में एक गुड्स अलग रुपीज में आपको अवेलेबल होगा। मान लीजिए पेयर ऑफ शूज है, उसकी अलग वैल्यू इंडिया में लगाई जाएगी और उसी पेयर ऑफ शूज की अलग वैल्यू USA में लगाई जाएगी। दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक स्टेटस अलग है। अब आपको मान लीजिए USA से कोई गुड्स मंगाना है तो वहां पर रुपी तो चलेगा नहीं, तो इसलिए फिर वहां पर USA डॉलर की जो करेंसी है उसमें आपको परचेज करना रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि US के डॉलर की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंगली ही फिर आप यहाँ पर US में ये पेयर ऑफ शूज खरीद पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर हमें एक्सचेंज रेट की जरूरत होती है। हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है क्योंकि हर कंट्री अपने आप में सोवरेन कंट्री है, हर कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, तो इस वजह से हर कंट्री की अपनी अपनी एक अलग करेंसी है। हमें अगर USA से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो फिर उसके लिए हमें एक्सचेंज रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट्स से पेयर ऑफ शूज USA में अवेलेबल है US डॉलर 50 में।
अब आपको कैसे पता चले कि आपको कितने रुपए देने हैं, आपकी जेब में तो रुपीज है, तो इसके लिए आपको एक्सचेंज रेट की जरूरत है। आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे रुपीज को और अकॉर्डिंगली फिर आप यूएस डॉलर का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, मनी इज नीडेड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आल्सो। देखिए, हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए भी मनी चाहिए, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को मनी चाहिए, तो मनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए चाहिए। और किसी भी कंट्री की अपनी एक करेंसी नहीं है, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग नेशनल करेंसी है, ठीक है। तो यहां पर नेशनल करेंसी ऑफ ईच कंट्री हैज डिस्टिंक्ट परचेजिंग पावर, दस देयर इज नीड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, क्योंकि हर कंट्री की अपनी जो एक्सचेंज रेट है, अपनी जो करेंसी है, उसकी अलग परचेजिंग पावर है। आप अगर एक पानी की बोतल इंडिया में खरीदते हैं, आपको हो सकता है रुपीज 20 पे करने पड़े, यूएसए में हो सकता है आपको एक यूएस डॉलर में ही अवेलेबल हो जाए। एक पेयर ऑफ शूज आपको इंडिया में 2000 रुपीज में मिले, और वही पेयर ऑफ शूज आपको हो सकता है यूएसए में सिर्फ 50 डॉलर में ही मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर परचेजिंग पावर हर कंट्री की मनी की अलग अलग है। इस परचेजिंग पावर को हम आगे देखेंगे कि कैसे ये परचेजिंग पावर डिफरेंट है, क्यों ये अलग अलग कंट्री की डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन को चाहिए कि वो यूएसए में जो गुड्स अवेलेबल है उसे खरीदना चाहता है, और इफ द प्राइस ऑफ दैट गुड्स इज $10, तो अब उसे कैसे पता चले कि कितने रुपए पे करने हैं, तो उसके लिए उसे एक्सचेंज रेट का पता होना चाहिए। तो अब एक्सचेंज रेट को अगर हमें डिफाइन करना हो, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम जैसे कई बार इस चीज को देखते हैं, वन यूएस डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज, तो वॉट इज दिस, दिस इज एक्सचेंज रेट। ये हमें बताता है कि जो चीज एक यूएस डॉलर की है वो 75 रुपीज की होगी, ठीक है। कहीं पर अगर $100 लगने हैं तो वहां पर 7500 रुपीज लगेंगे। तो ये एक्सचेंज रेट एक पैरिटी लेकर आता है, ओके। फॉरेक्स रेट, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू किरीबा करन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू। फॉरेक्स रेट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इनेबल्स कंपेरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेज। अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, ये करेंसीज को लिंक तो करता ही है, उनमें कंपैरिजन भी एस्टैब्लिश करता है। जैसे यूएस डॉलर के, वन यूएस डॉलर के इक्वल अगर रुपीज 50 है, तो यहाँ पर हम साफ साफ कंपैरिजन देख सकते हैं कि यूएसए के डॉलर की परचेजिंग पावर इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को देख भी सकते हैं, इफ वी हैव टू पे रुपीज 50 फॉर वन यूएस डॉलर, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट हो गई 50। अब परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इन लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज एडजस्ट टू आइडियल एक्सचेंज रेट इफ गोमेन डज नॉट मैनिपुलेट एक्सचेंज रेट। इस लाइन का क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पीपीपी, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी कहता है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स, सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो आप इंडिया में खरीद रहे हैं, वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स अगर आप यूएसए में खरीदें और बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, अगर आपको यहाँ पर जो रुपीस पे करने पड़ेंगे, जो डॉलर पे करने पड़ेंगे, इससे जो एक्सचेंज रेट आएगी उसे हम एक आइडियल एक्सचेंज रेट कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें आपने पेयर ऑफ शूज डाले, कुछ कपड़े डाले, कुछ खाने का सामान डाला, सेम आपको इंडिया में भी अवेलेबल है, सेम आपको यूएसए में भी अवेलेबल है। इंडिया में वो अवेलेबल है आपको 10,000 रुपीज में, और यूएसए में वो आपको अवेलेबल है $100 में। तो आइडियल एक्सचेंज रेट यहाँ पर कितनी आएगी? इट विल बी 100 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। अब ये क्या कहती है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी? अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है? लेट से आइडियल रेट तो है 100, गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम यहाँ पर 90 रुपीज ही फिक्स करेंगे, एक यूएस डॉलर के इक्वल 90 रुपीज, तो यहाँ पर फिर वो आइडियल एक्सचेंज रेट नहीं होगी। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं हो, मार्केट फोर्सेस पूरी तरह से फंक्शन करें, तो एक आइडियल एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी की वजह से अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, एज लॉन्ग एज देर आर नो बैरियर्स टू द ट्रेड, लाइक द टैरिफ बैरियर्स, कोटास जिनको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, ये बैरियर्स सारे हटा दिए जाए, इसके अलावा करेंसी मैनिपुलेशन पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो दो कंट्रीज के बीच में फिर प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली आइडियल लेवल पे एडजस्ट हो जाएंगे। अब बिग मैक इंडेक्स, एक ये इंडेक्स यूज किया जाता है, व्हाट इज दिस? देखिए, पहले ये माना जाता था मैकडोनाल्ड, हालांकि तो अब तो मैकडोनाल्ड की हालत बहुत खराब है, पहले माना जाता था जो मैकडोनाल्ड का बर्गर आपको यूएसए में मिलेगा वो सेम बर्गर आपको इंडिया में मिलेगा।
तो मैकडोनाल्ड को यूज किया जाता था एज एन इंडिकेटर फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स। तो मैक इसी तरह से बिग मैक इंडेक्स का ओरिजिन हुआ। इट इज यूज्ड टू मेजर द परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन नेशंस बाय कंपेयरिंग प्राइस ऑफ मैकडोनाल्ड बिग मैक बर्गर। मान लीजिए यूएसए में वहां पर प्राइस है $1, इंडिया में प्राइस है ₹60, तो फिर ये माना जाता कि एक यूएस डॉलर के इक्वल है ₹60। तो इस तरह से इस बिग मैक इंडेक्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ ए बिग मैक इन यूएस डॉलर इज 2 एंड इन यूएसए एंड ₹100 इन इंडिया, तो एक्सचेंज रेट होगी ₹50। ठीक है, तो इस तरह से बिग मैक इंडेक्स का यूज किया जाता था। नाउ इफ एक्चुअल रेट इज ₹55 पर डॉलर देन रुपी इज अंडर वैल्यूड। नाउ अब इस पॉइंट को आप समझना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा और लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमने यहां पर देखिए क्या चीज कैलकुलेट की कि एक बर्गर जो एक यूएस डॉलर में आ रहा है और ₹60 में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर वन यूएस डॉलर इक्वल टू ₹60। ये एक्सचेंज रेट आइडियल एक्सचेंज रेट है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने ₹50 की जगह ₹60 की जगह पर ₹55 ही इस एक्सचेंज रेट को डिक्लेयर कर रखा है। जैसे कई बार आपने सुना होगा करेंसी को मैनिपुलेट किया जाता है, तो व्हाट इज दिस, इट इज ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि जो ₹60 होने चाहिए उसकी जगह पर हमने 55 ही किया है। वहीं हम 60 की जगह 65 कर दें, देन व्हाट इज दिस, दैट इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो इस तरह से यूएस डॉलर और रुपीज इन प्राइसेस को अगर मैनिपुलेट नहीं किया जाए तो हम ऑटोमेटिकली एक आइडियल एक्सचेंज रेट पर पहुंच सकते हैं। और उसमें बिग मैक इंडेक्स, इस इंडेक्स को इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये माना जाता है जो सेम बर्गर आपको यूएसए में मिलेगा वही सेम बर्गर आपको इंडिया में मिलेगा, वही सेम बर्गर आपको ब्रिटेन में मिलेगा, वही सेम बर्गर आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो इस वजह से यह बिग मैक इंडेक्स का ओरिजिन हुआ था। थैंक यू शिवम, थैंक यू। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जहां पर भी हम फॉरेन एक्सचेंज से डील करते हैं, देखिए आप अगर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाएंगे, उस बैंक में जाकर आप यूएस डॉलर मांगेंगे तो वहां पर आपको यूएस डॉलर नहीं मिलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज के ट्रेड के लिए, फॉरेन करेंसी के ट्रेड के लिए अलग से कुछ बैंक होते हैं, अलग से कुछ मार्केट्स होते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे। तो द मार्केट वेयर इन नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनादर इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपने अगर कभी एयरपोर्ट का विजिट किया है तो उस एयरपोर्ट पे आपने कभी देखा होगा अगर वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं तो एक छोटा सा काउंटर होता है जहां पर मनी को एक्सचेंज किया जाता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, एक ऐसा काउंटर होता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, अदर ऑथोराइज डीलर्स एंड मॉनिटरी अथॉरिटीज, तो ये सब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के प्लेयर हो गए। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, दिस इज लाइव क्लास, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है और आपको ये समझने में हो सकता है दिक्कत भी आए। नाउ नियर एंड रियर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है अगेन लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नियर की। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने देखा, यूएस डॉलर वन यूएस डॉलर इक्वल टू ₹60। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि हर जगह हमारी करेंसी की यही वैल्यू होगी, देखिए यह कहना मुश्किल है। तो इसलिए क्या किया जाता है, हमारी करेंसी को दूसरी करेंसी, सिर्फ एक करेंसी पर डिपेंडेंट नहीं रखा जाता। जैसे लेट्स से हमारी 5 कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन है, यूएसए के साथ हमारा ट्रांजेक्शन है, चाइना के साथ हमारा ट्रांजेक्शन है, ब्रिटेन के साथ हमारा ट्रांजेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रांजेक्शन है एंड जापान, इन 5 कंट्रीज के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। ठीक है, और इन पांचों की मान लीजिए एक्सचेंज रेट अलग अलग है, लेट्स से इट इज ₹50 फॉर वन यूएस डॉलर, चाइना की 30, ब्रिटेन की 70, ऑस्ट्रेलिया की 40, जापान की 0.5, ये एक्सचेंज रेट हो गई इनकी। और ट्रेड में इनका कितना परसेंट है, मान लीजिए यूएसए से हमारा जो टोटल फॉरेन ट्रेड होता है दैट इज 20%, चाइना से 20%, ब्रिटेन से 20%, ऑस्ट्रेलिया से 20%, जापान से 20%, इतना ट्रेड हम इन 5 कंट्रीज के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगी
इसका यहाँ पर हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, तो इससे हमें एक एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की क्या पोजीशन है वो पता चल जाएगी। तो दैट इज नियर एंड रियर। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज निकाला जाता है रादर देन बायलेटरल एक्सचेंज रेट। हम यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्सचेंज रेट पर बिलीव करते हैं। हमारी करेंसी को मॉनिटरी अथॉरिटी, यस मॉनिटरी अथॉरिटी का मतलब है आरबीआई, हमारी कंट्री में हो गया आरबीआई, ठीक है। इज दिस क्लियर शिवम? हमारी कंट्री में मॉनिटरी अथॉरिटी हो गई आरबीआई, जो सारी मनी को रेगुलेट करती है, मॉनिटरी पॉलिसीज बनाती है, मनी को रेगुलेट करती है, ओके। तो यहां पर बायलेटरल एक्सचेंज रेट हो गई अलग से, और नियर और रियर ये किस चीज को प्रेजेंट करते हैं? वेटेड एक्सचेंज रेट, जहां पर हमारी करेंसी एक कंट्री की करेंसी पर नहीं मल्टीपल कंट्रीज की करेंसी पर निकाली जाती है। अब आप ये सोचेंगे वेटेड एवरेज की हमें जरूरत क्यों है? तो देखिए, मान लीजिए यूएसए में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, लेट सपोज यूएसए और चाइना का युद्ध हो गया, यूएसए की एक्सचेंज रेट सडनली बढ़ गई या सडनली गिर गई, तो क्या हमारी एक्सचेंज रेट में भी हम वही इंपैक्ट मानेंगे? तो इसलिए हम इस एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी के लिए इस नियर और रियर को यूज करते हैं, ओके। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नो द वेटेड एवरेज ऑफ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी इन टर्म ऑफ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज, इसे हम नियर और रियर कहते हैं। हम नियर और रियर में क्या डिफरेंस है? नियर और रियर में डिफरेंस है इन्फ्लेशन का। जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाती है रियर। जैसे हमने यहां पर एक्सचेंज रेट देखी पांच कंट्रीज की, इन पांचों कंट्रीज की जब इन्फ्लेशन को हम कम करके एक्सचेंज रेट निकालते हैं तो उस पर जो निकल कर आएगी दैट इज कॉल्ड एज द रियर, ओके। तो इट इज द एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स, नॉमिनल का मतलब एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। नॉमिनल हो गई जो मार्केट एक्सचेंज रेट है और उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, शुड वी जज वीकनेस और स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रूपी ओनली अगेंस्ट द यूएस डॉलर? यूएस डॉलर मजबूत होता है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारी करेंसी वीक हुई है? हो सकता है कि यूएसए ने वाकई में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की हो, तो इसलिए यहाँ पर नियर और रियर को यूज किया जाता है, जहां पर हम सिर्फ एक कंट्री से हमारी करेंसी को कंपेयर नहीं करते, ठीक है। सो हेयर नियर एंड रियर आर हेल्पफुल, स्पेशली रियर which also eliminates fluctuations caused by the inflation, ठीक है। रियर को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर किसी करेंसी की, किसी कंट्री की करेंसी रियर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे फिर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव माना जाता है। नाउ डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन, अब ये दो टर्म है, वॉट इज दिस? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए इंडियन रुपी फॉर वन यूएस डॉलर इट इज रुपीज 50 और ये बढ़कर हो गया रुपीज 60 फॉर वन यूएस डॉलर, तो यहां पर हमारी करेंसी में डेप्रिशिएशन हुआ या एप्रिशिएशन हुआ? आंसर करने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन में है रुपीज 50, ये बढ़कर हो गए 60, तो ये डेप्रिशिएशन है या एप्रिशिएशन? एक बार सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, ये डेप्रिशिएशन है या एप्रिशिएशन? इट इज द डेप्रिशिएशन। हाउ, क्यों? क्योंकि पहले एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें 50 रुपए देने पड़ते थे, अब वहीं पे ही हमें 60 रुपीज देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है हमारी रुपीज की परचेजिंग पावर गिरी है। पहले जिस चीज में 50 लग रहे थे वहीं अब 60 लग रहे हैं, सो दैट इज द डेप्रिशिएशन इन द करेंसी। जब भी करेंसी की परचेजिंग पावर गिरती है तो उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं, और वहीं अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है, यही 50 की जगह अगर 40 हो जाए तो इसका मतलब है अब हमें सिर्फ रुपीज 40 देने पड़ेंगे एक यूएस डॉलर के लिए, तो दैट इज एप्रिशिएशन, ठीक है। तो सपोज इंडियन एक्सचेंज रेट इज वन यूएस डॉलर इक्वल टू रुपीज 50, अब अगर ये रुपीज 70 हो जाए पर यूएस डॉलर, तो इसका मतलब है हमारी करेंसी में डेप्रिशिएशन हुआ है, क्योंकि अब हम ज्यादा रुपए देने होंगे एक डॉलर को खरीदने के लिए, जिसका मतलब है हमारी परचेजिंग पावर गिरी है। दस इंक्रीज इन वैल्यू दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एज द डेप्रिशिएशन, और सिमिलरली हो गया एप्रिशिएशन। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों में ही हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, परचेजिंग पावर गिर रही है। डीवैल्यूएशन होता है जो डेलिबरेटली किया जाता है,
जब हमारी मॉनिटरी अथॉरिटी आरबीआई या गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराते हैं तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, और जब मार्केट फोर्सेज की वजह से अपने आप करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। ऐसे ही यहां पर होता है एप्रिशिएशन एंड रिवैल्यूएशन, ठीक है, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। नाउ इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द एक्सचेंज रेट, यहां पर इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और उनका एक्सचेंज रेट पे क्या क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे इसे प्रभावित करती है, मान लीजिए आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट रुपीज, लेट से 10,000, इंडिया में आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर आपको 8% रिटर्न मिल रही है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम रुपीज 10,000 के इक्वल आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दी डॉलर टर्म्स, लेट से $100 इज इक्वल टू रुपीज 10,000, और वहां पर आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपको ईयर एंड में मिलेंगे $105, ठीक है। तो इसका मतलब है इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना काफी सेफ है, काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो यूएसए के लोग क्या करेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको 8 रुपए का फायदा हो रहा है। इससे क्या होगा, इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इंडियन रुपी चाहिए, वो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडियन रुपी की अगर डिमांड बढ़ी तो फिर इंडियन रुपी एप्रिशिएट होगा। इकोनॉमिक्स में देखिए एक प्रिंसिपल है, वो आप हमेशा याद रखिए, अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। और ऐसे मानकर चलिए, जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं किसी के भाव बढ़ जाना, तो दैट इज जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसके भाव बढ़ेंगे, और जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी कंपेयर टू द डिमांड उसके भाव घटेंगे। तो इंडियन रुपी की चूंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ी है तो इंडियन रुपी में यहाँ पर एप्रिशिएशन होगा। वहीं पर ही अगर इसका उल्टा हो, यूएसए में 8% इंटरेस्ट रेट हो, इंडिया में सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट हो, तो इंडिया के लोग अपना पैसा यूएसए में जाकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और यूएस की करेंसी वहां पर एप्रिशिएट होगी, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। तो सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन इंडिया यील्ड 8%, मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उन पर 8% का इंटरेस्ट रेट है। शिवम का यहाँ पर डाउट है, जैसे फॉरेन करेंसी को मार्केट में फ्लो करके जब आरबीआई करती है तब, यस दैट इज डीवैल्यूएशन, इसको हम आगे भी देखेंगे, अभी ये टॉपिक हमारा थोड़ा पेंडिंग है कि एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा, हम करेंसी वार भी इसके साथ साथ देखेंगे। तो मान लीजिए इंडिया में तो इंटरेस्ट मिल रहा है 8% और यूएसए में उन सेम बॉन्ड पे मिल रहा है 5%, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया और यूएसए के दोनों इन्वेस्टर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे और लोग यहां पर इंडियन रुपीज को खरीदेंगे। सो टू बाय दीज बॉन्ड्स इन्वेस्टर विल बाय इंडियन करेंसी फ्रॉम द यूएसए डॉलर, और यह अल्टीमेटली हमारी करेंसी में एप्रिशिएशन लेकर आएगा। ओके, इनकम का अब एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आता है, इनकम मान लीजिए इंडियन लोग हैं, ठीक है, इनकी इनकम सडनली बढ़ जाती है, काफी अच्छा ये कमाने लग जाते हैं, सडनली इनकी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या होगा, इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसमें काफी चीजें इंपोर्ट होकर आएंगी तो उसमें यहां पर क्या होगा, हम फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि किसी भी फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए हमें फॉरेन करेंसी में पे करना रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली यहां पर हमारी करेंसी के डेप्रिशिएट होने के चांसेस है। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेज, स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट गुड्स इज आल्सो लाइकली टू इंक्रीज, और जब इंपोर्ट बढ़ते हैं तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है और अल्टीमेटली हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी फॉरेन कंट्री, मान लीजिए हमारी कंट्री में तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज की लोगों की इनकम बढ़ी है, तो वो हमारे गुड्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहेंगे, तो इस वजह से फिर हमारी कंट्री एप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को, और वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है इनकम पर। तो इनकम से डिराइव होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से यहां पर डिराइव होगी डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन, ठीक है। और दूसरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट आता है, सबसे पहला है इन्फ्लेशन। ए कंट्री विथ हायर इन्फ्लेशन टिपिकली सीज
डेप्रिशिएशन इन इट्स करेंसी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है लोगों की जो करेंसी की वैल्यू है, उनके पास अगर 100 रुपये हैं तो उनकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे गिरती जा रही है, और ऐसे कंडीशन में करेंसी मतलब डेप्रिशिएट हो रही है, परचेजिंग पावर अपने आप गिरती जा रही है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनी फैक्टर विच डिक्रीजेज इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ लीड्स टू दी डेप्रिशिएशन। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहां पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सबसे फिर करेंसी एप्रिशिएट होती है, और वहीं पर ही अगर इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है तो वो डेप्रिशिएशन का कारण बनती है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन भी यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता हो तो काफ़ी फर्म, काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो US डॉलर और इंडियन करेंसी की वैल्यूज इनको मैनिपुलेट करके ही पैसा कमा लेती है। ओके, सो सपोज इंडियंस बिलीव दैट US डॉलर इज गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू रिलेटिव टू द रुपी, कि US डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है। लेट से एट प्रेजेंट है US डॉलर 1 = ₹50, लोगों को लगता है इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू ₹60, तो लोग क्या करेंगे, US डॉलर को खरीद लेंगे। लेट से किसी ने 1000 US डॉलर खरीदे और उसको देने कितने पड़े, 50,000 रुपीज, और वाकई में करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, 60 हो गई, तो फिर वो इन 1000 US डॉलर को बेच देगा 60 रुपये पे, उसके टोटल कितने हो गए, 60,000। तो इस तरह से उसने कितने रुपए की कमाई की, 10,000 की, दैट इज स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। स्पेक्यूलेशन से क्या होता है, सडनली अब यहाँ पर US डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनको भी लग रहा है कि US डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है वो मार्केट में जाकर US डॉलर मांगेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी बढ़ेगी। करंट अकाउंट बैलेंस, ए डेफिशिट इन करंट अकाउंट ड्यू टू स्पेंडिंग मोर ऑफ इट्स करेंसी ऑन इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स देन इट इज अर्निंग थ्रू सेल ऑफ एक्सपोर्ट्स कॉजेज द डेप्रिशिएशन। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा करती है, और इसका मतलब है वहाँ पर डेप्रिशिएशन ज़्यादा है। और करंट अकाउंट बैलेंस का यहाँ पर डेफिसिट होने का मतलब ये भी है कि हमारी कंट्री में हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है जिससे, ठीक है, अगेन डेप्रिशिएशन का जो कारण बन सकती है। पब्लिक डेब्ट, नेशन विथ लार्ज पब्लिक डेफिसिट एंड डेब्ट्स आर लेस अट्रैक्टिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर। तो जिन कंट्री में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर FII, FDI ये जल्दी से नहीं आना चाहते, तो उनकी करेंसी की डिमांड कम होती है और वहाँ पर फिर डेप्रिशिएशन ज़्यादा होता है। शिवम रोग सिंह का पूछना है, इन्वेस्टमेंट जैसा, बेसिकली मैं समझा नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट में देखिए छोटा सा डिफरेंस है, स्पेक्यूलेशन एक शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हो गया, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, उसको अपने पास रखा और थोड़े समय बाद आपने पैसे बढ़ने पर बेचा, ठीक है, तो इसे आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन तुरंत आपने ज़मीन खरीद कर जैसे ही पैसा बढ़ा तुरंत बेच दिया तो वो स्पेक्यूलेशन का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब किसी सामान पे पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट, और जब करेंसी पे लगाया तो स्पेक्यूलेशन, ऐसा नहीं है। देखिए सामान जरूरी नहीं है, करेंसी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लेट से आपने US डॉलर खरीद लिया और 10 साल 15 साल के लिए रख दिया तो वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज रिलेटिवली फॉर द लॉन्गर टर्म, हम कह सकते हैं स्पेक्यूलेशन भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया, बट इन्वेस्टमेंट मोर स्पेसिफिकली थोड़े लंबे समय के लिए होता है। नाउ एक कॉन्सेप्ट है डच डिजीज, बेसिकली नीदरलैंड में पहली बार एक फिनोमिना नोट किया गया था तो उसके नाम पर इसको डच डिजीज कहा गया। देखिए तीन वर्ड होते हैं डच, होलैंड एंड नीदरलैंड, ये तीनों वर्ड एक ही कंट्री के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो नीदरलैंड के या होलैंड के लोग हैं उनको हम डच कहते हैं, डच लोग, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज नोट की गई, नीदरलैंड में बहुत सारे नेचुरल गैस के कुएं देखने को मिले, मतलब बहुत सारे नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स पाए गए। अब इससे क्या हुआ, नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स बहुत सारे मिले तो इसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर नीदरलैंड में, नीदरलैंड सडनली नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर बन गया। अब नीदरलैंड एक्सपोर्ट करने जा रहा है तो दूसरी कंट्रीज में नीदरलैंड की करेंसी की डिमांड बढ़ी और सडनली नीदरलैंड की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, और ये एप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा हुई। देखिए करेंसी जब बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाती है तो उसका एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है,
ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आप इतना याद रखिए, जब करेंसी एक्सपोर्ट होती है, करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट पर वो नेगेटिवली प्रभाव डालती है। तो यही चीज यहाँ पर नीदरलैंड में देखा गया कि तेल के कुएं, नेचुरल गैस के कुएं मिलने से वहां पर सडनली एप्रिशिएशन बहुत ज्यादा हो गया करेंसी का, जिस वजह से उनके एक्सपोर्ट जो थे वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहे और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। तो इसी को ही डच डिजीज कहा गया कि जब नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी की वजह से एक कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाती है और उसकी वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाती है तो उसे हम डच डिजीज कहते हैं। और नोट एन इशू शिवम, आपको जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन पूछने हैं बिल्कुल आप बेझिझक होकर पूछिए। दिस इज द लाइव क्लास, लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। तो दिस इज डच डिजीज, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, करेंसी एप्रिशिएट होती है तो वो कैसे एक्सपोर्ट को नेगेटिवली प्रभावित करती है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहला एक रूल आप याद रख लीजिए, जिस कंट्री में सामान खरीदा जाएगा उस कंट्री की करेंसी का यूज होना जरूरी है, ठीक है। जिस कंट्री में सामान खरीदा जाएगा उस कंट्री की करेंसी का यूज होना जरूरी है। अब मान लीजिए इंडियन रुपी था 40, इंडियन रुपी है रुपीज 40 इक्वल टू 1 US डॉलर। अब किसी को इंडिया से सामान खरीदना है, इंडिया से इंपोर्ट करना है, तभी तो हमारा एक्सपोर्ट हुआ। तो इंडिया से किसी को इंपोर्ट करना है और उस गुड्स की वैल्यू है 4000 रुपीज, ठीक है। अब सामने वाले व्यक्ति को कितने यूएस डॉलर देने पड़ेंगे उसके लिए, सामने वाले व्यक्ति को यहां पर यूएस डॉलर देने पड़ेंगे 400, ठीक है। 100 यूएस डॉलर यहां पर सामने वाले व्यक्ति को देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए यही करेंसी एप्रिशिएट हो गई और नाउ इट हैज बिकम रुपीज 24 US डॉलर, 1 US डॉलर। एप्रिशिएशन का मतलब कम होना होगा ना, आपने सोचा होगा 80 होगी, नहीं वो डेप्रिशिएशन है। एप्रिशिएशन में कितनी हो गई, रुपीज 20 इक्वल टू 1 US डॉलर। अब सामने वाले व्यक्ति को इसी 4000 रुपए के लिए कितने यूएस डॉलर चाहिए, उसे चाहिए 200 US डॉलर। तो पहले तो उसे चाहिए थे 100 US डॉलर, अब उसे चाहिए 200 US डॉलर। तो वो यहाँ पर अपनी हमारी गुड्स को खरीदेगा या फिर दूसरी जगह पर खरीदेगा जहां पर उसे 200 US डॉलर में भी से भी कम में माल मिल रहा हो। तो ऐसा ही यहां पर नीदरलैंड में हुआ था। ओके, इज दिस क्लियर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट से कोई गुड्स है जो इंडिया में 4000 रुपीज का है, एट प्रेजेंट करेंसी एक्सचेंज रेट है 1 US डॉलर इक्वल टू रुपीज 40। तो यहां पर फॉरेनर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने अपने डॉलर देने पड़ेंगे इंडिया में गुड्स खरीदने के लिए, 100 US डॉलर। लेकिन लेट से इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, रुपीज 20 पर चली गई, 1 US डॉलर इक्वल टू रुपीज 20। अब सेम गुड्स को खरीदने के लिए यहां पर कितने डॉलर चाहिए, 200। तो इसका मतलब है अब फॉरेनर के हमारी चीज महंगी पड़ गई, तो जो चीज महंगी हो गई फिर वो वहां पर लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। ओके, नाउ एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन ट्रेड। एक्सचेंज रेट का फॉरेन ट्रेड पर क्या इंपैक्ट है, तो जैसे 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 अभी मैंने आपको बताया कि कैसे करेंसी में एप्रिशिएशन होता है तो वो एक्सपोर्ट के लिए घातक है, वैसे ही यहाँ पर अब हम एक बार देखते हैं डेप्रिशिएशन का क्या इंपैक्ट आता है। डेप्रिशिएशन अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, इम्पोर्ट हमारे कॉस्टली हो जाएंगे और हम इम्पोर्ट के बजाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जैसे क्रूड ऑयल, हमारे चाहे इम्पोर्ट कितने भी बढ़ जाए, हमारी करेंसी कितनी भी डेप्रिशिएट हो जाए, हमें क्रूड ऑयल मंगाना ही पड़ेगा। इसे हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ये हम हमारी कंट्री में पैदा नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होती है। वरना करेंसी डेप्रिशिएशन के बाद इम्पोर्ट कम होने चाहिए। कैसे, अगेन मैं चलिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं और अगेन वैल्यू है 1 US डॉलर इक्वल टू रुपीज 40। हम जो गुड्स खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू है US डॉलर 100, ठीक है। तो हमें कितने रुपए देने रहेंगे, हमें रुपीज देने रहेंगे 4000। नाउ लेट सपोज हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई रुपीज 40 से, ये हो गई रुपीज 80, ठीक है। अब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, अब हमें रुपीज देने पड़ेंगे 8000। तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही अगर वो गुड्स हमें 5000-6000 का मिल रहा है तो हम इंडिया में ही ले लें। लेकिन क्रूड ऑयल जैसी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये हमें बाहर से ही मंगानी पड़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा जो
और ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट पे डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आएगा, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि अब जो फॉरेनर है उसको सेम गुड्स के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, उसको कम यूएस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे फिर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अब आपने कई बार देखा होगा चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है, वो इसीलिए करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। तो अब आप एप्रिशिएशन के इम्पैक्ट के बारे में भी सोचिएगा कि कैसे एप्रिशिएशन यहाँ पर फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज रेट, फॉरेन ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित करते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आते हैं हम उस टॉपिक पर कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट फोर्सेज के बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और अगर इसी एक्सचेंज रेट को हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज RBI, मॉनिटरी अथॉरिटी या फिर हमारी गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स कर देती है, पहले से ही डिटरमाइन कर देती है कि एक यूएस डॉलर के इक्वल सिर्फ ₹20 होंगे, तो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, और अगर किसी कंट्री की मॉनिटरी अथॉरिटी समय समय पर इंटरवीन करती है, मतलब करेंसी को फिक्स नहीं रखती लेकिन कभी कोई मुसीबत आ गई, कोई चीज आ गई तो उसको मैनिपुलेट किया, उसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबल और फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये क्या होती है। सो दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई को फ्रीली फंक्शन करने दिया जाता है वहां पर जो एक्सचेंज रेट आएगी दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरी है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहां पर सेंट्रल बैंक जैसे कि हमारा RBI हो गया या गवर्नमेंट एक एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि एक यूएस डॉलर के इक्वल है ₹20। अब चाहे मार्केट में कुछ भी हो एक्सचेंज रेट यही रहेगी, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट वांट्स टू एनक्रेज एक्सपोर्ट, तो ये यहां पर हमारी करेंसी को क्या करेगी, हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर देगी, ₹30 पे फिक्स कर देगी, जबकि रियल वैल्यू होनी चाहिए ₹25, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहां पर डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन किया जाता है। हमने पहले भी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन इनमें डिफरेंस देखा था, ऐसे ही हमने एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस देखा था। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तो आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मामले में, जहां पर एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेज के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन कहां पर आते हैं, दे कम्स इन द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या मैनिपुलेशन के केस में, जहां पर हमारी गवर्नमेंट उसको डिवैल्यू या रिवैल्यू करती है। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, देखिए अगर हम सारी कंट्रीज को आज अगर देखें तो किसी भी कंट्री की करेंसी ना ही तो कंप्लीटली फिक्स्ड है, ना ही किसी कंट्री की पूरी तरह से करेंसी फ्लेक्सिबल है। या तो कोई कंट्री इधर आएगी फिक्स्ड के पास, या कोई कंट्री यहाँ पर फ्लोटिंग के पास आएगी। हर कंट्री अपनी करेंसी को समय समय पर मैनेज करती है, समय समय पर मार्केट फोर्सेज पर छोड़ देती है, तो इसे हम मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पर सेंट्रल बैंक उसी समय इंटरवीन करते हैं जहां पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा सडनली अगर हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होती है या एप्रिशिएट होती है तो RBI वहां पर कुछ लिमिटेशंस लगा देती है या खुद जाकर मार्केट में सेल या परचेज करती है, तो उसे हम मैनेज्ड फ्लोटिंग कहेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज फॉलोइंग मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो मैनेज्ड फ्लोटिंग को ही फॉलो करती है। कोई कंट्री फिक्स्ड ज्यादा रखती है, कोई कंट्री फ्लेक्सिबल सिस्टम को ज्यादा रखती है। ठीक है, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हम एक बार डिफरेंसेस को देख लेते हैं। व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स। यहां पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहां आपको फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी करेंसी की सडनली डिमांड नहीं बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी सडनली मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फॉरेक्स की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आइडियल एक्सचेंज रेट है जो होनी चाहिए वो है ₹40 इक्वल टू $1, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है, हमारी गवर्नमेंट कहती है वी आर गोइंग टू कीप इट ₹30 फॉर $1। अब लोग क्या करेंगे, लोग मार्केट में जाएंगे
₹30 देंगे और US डॉलर को खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि जो ₹40 का होना चाहिए वो उनको ₹30 में ही मिल रहा है। तो सडनली फिर हमारे मार्केट में फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की कमी ये है कि इसमें मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकती है, क्योंकि सडनली मान लीजिए किसी के साथ युद्ध हो गया, कोरोना वायरस आ गया, सडनली इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट होती है, तो उस कंडीशन में पूरा वर्ल्ड एक तरह से पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाता है और उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर भी आएगा, क्योंकि हमने मार्केट के साथ हमारी एक्सचेंज रेट को जोड़ दिया है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रिलेटिवली स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी गई है। इंसुलेशन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल शॉक स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक से एक्सपोज होती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी चीज़ गलत होती है, सही होती है, तो अपने आप एक्सचेंज रेट एडजस्ट हो जाती है, जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिर आपको डीवैल्यू करना पड़ता है। पार्शियल ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो CAD है उसको गवर्नमेंट को करेक्ट करना पड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट को बार बार करेक्ट करना पड़ता है। स्पेक्यूलेटिव अटेम्प्ट की रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर स्पेक्यूलेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेशन लगा देती है कि आपको इतना ही स्पेक्यूलेशन करना है, इससे ज़्यादा स्पेक्यूलेशन आप नहीं कर सकते, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा, लोगों को एक शक रहेगा प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो इसलिए लोग बाजार में जाकर चाहे जितनी करेंसी को खरीदने लग जाएंगे। ओके, नाउ करेंसी मैनिपुलेशन एंड करेंसी वार्स। चाइना आर्टिफिशियली डीवैल्यूज इट्स करेंसी टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट्स। तो डीवैल्यूएशन कैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो चाइना कई बार क्या करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यूएट करता रहता है, ठीक है, तो इस तरह से चाइना यहाँ पर मैनिपुलेशन करता है। अब ये कैसे वार में कन्वर्ट होती है, कैसे मैनिपुलेशन वार में कन्वर्ट होता है, चाइना यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो कंट्रीज इसको इंपोर्ट कर रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरे हो गए चाइना के कंपटीटर, जैसे कि इंडिया हो गया, जो मार्केट में वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब चूंकि चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रखी है, तो इंडिया के लिए अब यहाँ पर अनकम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, तो इंडिया भी फिर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा। तो दैट इज करेंसी वार, जहां पर कंट्रीज में आपस में यहाँ पर एक झगड़ा चल जाता है, मतलब एक होड़ चल जाती है कि हम भी हमारी करेंसी को डीवैल्यू करें, तो दैट इज करेंसी वार। अभी जो USA और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, उसकी शुरुआत करेंसी मैनिपुलेशन से ही हुई थी। तो अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कैन नॉट इक्वेट चाइना इन मैनिपुलेशन बिकॉज चाइना हैज ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व। चाइना के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है, इंडिया से 10 गुना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व होंगे चाइना के, ठीक है, तो अब फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है तो ये मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा कर सकता है। सो चाइनीज मैनिपुलेशन हैज रिजल्टेड इन एदर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर और करेंसी मैनिपुलेशन बाय अदर कंट्रीज, और इसी से ही फिर वार की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, ट्रेड वार जिसे हम कहेंगे। USA ने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट कर दी। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग को आप कैसे समझ सकते हैं, द्रौपदी चीरहरण, जहां पर एक तरफ तो दुशासन है जो साड़ी खींचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है जो साड़ी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इधर एक तरफ तो चाइना पूरी करेंसी को छीने जा रहा है, मतलब सिस्टम से फॉरेन करेंसी को लिए जा रहा है, अपने स्टॉक रिजर्व में डाले जा रहा है, दूसरी तरफ USA ने कहा लो, लेनी है उतनी करेंसी लो, हम करेंसी पे करेंसी इशू कर रहे हैं, हमारा US डॉलर जितना चाहिए उतना आप लो। तो दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। यहाँ पर USA ने क्या किया, मार्केट में ऐसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर भर भर के पैसे उड़ाए, अपने US डॉलर को डाल दिया कि लो जितना लेना है उतना लो। तो दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग, जहां पर US डॉलर को मार्केट में ओवर सप्लाई किया गया, ताकि USA की करेंसी भी चीप हो सके, डीवैल्यू हो सके, डेप्रिशिएट हो सके। तो दिस रेस ऑफ मैनिपुलेशन काउंटर मेजर्स अल्टीमेटली रिजल्टेड इन दी करेंसी वार। ओके, तो अल्टीमेटली यहां से करेंसी वार की शुरुआत हुई। नाउ इंडिया में हमने एक्सचेंज रेट सिस्टम को कैसे मैनेज किया है, देखिए सबसे पहले जब हमें आज़ादी मिली और उसके बाद में स्पेशली इंदिरा गांधी एरा के दौरान जब हमने नेशनलाइजेशन सोशलिज्म को अपनाया था, तो उस समय हमारी कंट्री की करेंसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करती थी।
लेकिन चूंकि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिरने लग गए तो उसके बाद हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया जाने लगा। इंडिया में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम एक्सचेंज रेट को ग्लोरी के साथ जोड़ते हैं। अगर कभी भी हमारी एक्सचेंज रेट 1 रुपए भी गिरती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमारी कंट्री की ग्लोरी खत्म हो गई हो। तो इसलिए स्टार्टिंग में यही किया जाता था, हमारी कंट्री को फालतू में ओवर वैल्यूड दिखाया जाता था, तो जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट काफी कमजोर रहे, प्रमोट नहीं हो पाए, और बाद में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू किया गया। और बाद में 1991 के बाद जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी को अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद हमने फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को हमने बढ़ाया है। आरबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों में इंटरवीन करता है जहां पर हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। यस, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 वर्ड है, ठीक है। 1947 टू 71, एज इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द आईएमएफ, इंडिया फॉलोड एडजस्टेबल पैग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट वॉज पैग्ड इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर पे हमारी करेंसी डिसाइड होती थी, अगर यूएस डॉलर एप्रिशिएट होगा तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, यूएस डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट होगी। इंडिया वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मार्केट एक्सचेंज रेट विद इन प्लस माइनस 1% ऑफ द डिफाइंड वैल्यू। द सिस्टम फॉलोड वॉज ऑल्सो कोड एज द पार वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पर यूएसए के डॉलर के हिसाब से हम हमारी करेंसी को फिक्स रखते थे। अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ पीएम नरसिम्हा राव, यस, 1991 में इसे अडॉप्ट किया गया था एलपीजी, ठीक है। 1971-75 एज द ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स्ड इन 1971 विद द सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर बाय द यूएसए। तो यहां पर हमने यूके की करेंसी के साथ अपनी करेंसी को पैक किया, क्योंकि 1971 में देखिए यहां पर यूएसए ने अपनी कन्वर्टिबिलिटी को रोक दिया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ। तो हमने कहा यूएसए सही, यूएसए नहीं तो यूके सही, तो हमने यूके पे पैक किया अपनी करेंसी को। लेकिन हमें 4 साल में ही रियलाइज हो गया कि यूके की करेंसी के साथ पैक करना वाज नॉट गुड डिसीजन। तो 1975 में हमने ये डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ पेगिंग टू ए सिंगल करेंसी, रूपी वाज पैक टू दी बास्केट ऑफ करेंसीज। तो हमने सिर्फ एक पाउंड पर अपनी करेंसी को पैक नहीं किया, कुछ 4-5-6 कंट्रीज की करेंसीज थी जिन पर हमने पैक किया। लेकिन जब से हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, उसके बाद से धीरे धीरे हम हमारी करेंसी को फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। सो ड्यू टू मेजर बीओपी क्राइसिस एंड कॉन्सिक्वेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लर्म्स लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया गया, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर द लर्म्स ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज फॉलोड, 40% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स वर टू बी कन्वर्टेड एट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड रिमेनिंग 60% एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो 40% पोर्शन तो था फिक्स्ड और 60% पोर्शन था फ्लेक्सिबल, ओके। एज द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वॉज लोअर देन द मार्केट एक्सचेंज रेट, दिस सिस्टम वॉज हाईली रिजेंटेड बाई द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट एक्सचेंज रेट पे ही बेस्ड थी। 1993 onwards, अब हम मैनेज्ड फ्लोट को यहाँ पर यूज करते हैं। हमारी कंट्री पूरी तरह से 100% फ्लेक्सिबल है, प्रोवाइडेड अगर कभी भी कोई इश्यू होता है तो वहां पर आरबीआई इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। नाउ रिजर्व एडिक्वेसी, फ्यू मंथ्स ऑफ इंपोर्ट रूल वर्सेज गाइडोटी रूल। अब ये क्या है, पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज रिजर्व एडिक्वेसी, ये क्या होता है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपने फॉरेक्स रिजर्व के बारे में देखा होगा कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व 500 मिलियन बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, इतने बढ़ गए, इतनी परसेंट बढ़ोतरी हुई। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व कितने महीनों के लिए, कितने दिन के लिए हमारे इंपोर्ट को हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंपोर्ट को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, दैट इज रिजर्व एडिक्वेसी। अब जैसे इंपोर्ट में हम नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल, इनका इंपोर्ट करते हैं, इनके लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो इसको कितने महीने तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व सस्टेन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपोर्ट। तो ट्रेडिशनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट कवर पहले यूज होता था, जिसका मतलब है एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व।
वॉज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रिजर्व इक्वलेंट फॉर फ्यू मंथ ऑफ इम्पोर्ट, कि अगर हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करें तो हमें कितने रुपए की जरूरत होगी कि हम इम्पोर्ट को सस्टेन कर सकें, या हमारे पास कितना एक्सचेंज रिजर्व है जिससे हम इम्पोर्ट को सस्टेन कर सकें। अभी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो 500 बिलियन से भी ज्यादा है, इसके लिए माना जा रहा है कि हम 11 से 12 महीने का इम्पोर्ट आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। जब 1991 में क्राइसिस आया था उस समय हम सिर्फ 3 सप्ताह के इम्पोर्ट्स को कवर कर सकते थे, तो दिस इज वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। हाउएवर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट अमंग वेरियस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैज गेन्ड प्रोमिनेंस नाउ ओवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये हमने पिछली क्लास में देखे हैं, इनको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट, इनका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट टू फॉरेक्स रिजर्व, ये यहाँ पर एक टूल इमर्ज हुआ है। अब सिर्फ इम्पोर्ट कवर ही हम यूज नहीं करते, अब हम ये भी देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है जो फॉरेन मार्केट से लिया गया है जिसे तुरंत पे करना पड़ेगा, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का कितना परसेंट है। लेट्स से हमने बाजार से, फॉरेन कंट्रीज से $100 बिलियन का फॉरेक्स शॉर्ट टर्म डेब्ट लिया हुआ है और हमारे वो फॉरेक्स रिजर्व का 20% है। तो यहाँ पर ये जो नया रूल है उसमें हम इस रेशियो को भी देखते हैं, अगर ये 100 से ज्यादा हुआ देन इट इज वेरी सीरियस। इन दिस रिगार्ड द गाइडिटी रूल वॉज प्रपोज इन 1999, जहां पर एक कंट्री अपनी एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन को देखती है विदाउट एडिशनल बोरोविंग फॉर दी वन ईयर, कि हमने जो भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन लिए हुए हैं, बाहरी बाजार से जो भी लोन लिए हुए हैं, उनको हम कितना पे कर सकते हैं। फॉर बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक और ये मैं आपको एक मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, नीचे जो प्ले लिस्ट दी हुई है देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट में आपको और दूसरे लेक्चर मिल जाएंगे जिनमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेक्चर देख सकते हैं, और भी काफी लेक्चर हैं जो आप देख सकते हैं। फॉर इंडिया द रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू द शॉर्ट टर्म डेब्ट स्टूड एट द 23.2% एज एट द डिसम्बर 2019। तो इसका मतलब है हमारे फॉरेक्स रिजर्व से हम 23.2% अगर खर्च करें, 23.2% अगर हम निकालें, तो इतने पैसे निकाल कर भी हम पूरे हमारे फॉरेन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं, पूरे हमारे फॉरेन डेब्ट को पे कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी गुड। इसका मतलब है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हम आसानी से हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। नाउ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कवर ऑफ इम्पोर्ट एज ऑन डिसम्बर 2019 वाज 11.4 मंथ। तो इम्पोर्ट कवर कितना है हमारा, 11.4 मंथ, मतलब अगर हमारा बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं हो तो हम 11.4 मंथ के इम्पोर्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस चीज को ऐसे लीजिए, आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो इनकम है, तो आप कितने दिन के खर्चों को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया रैंक्स अमंग दी टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो दैट इज वेरी गुड कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अब इतना ज्यादा हो चुका है कि हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। स्टरलाइजेशन एज ए पॉलिसी टूल बाय दी आरबीआई, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्टरलाइजेशन। आरबीआई परचेजेस डॉलर फ्रॉम दी मार्केट एंड रिलीजेस इंडियन रूपी इन रिटर्न एंड देन अगेन सक्स दी एक्सेसिव रूपी फ्रॉम दी इकोनॉमी थ्रू दी सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली आप समझिए, मान लीजिए मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, यूएस डॉलर को मार्केट से खरीद लेगी, मार्केट में रूपी निकाल देगी और इस यूएस डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में यूएस डॉलर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज स्टरलाइजेशन। तो आरबीआई परचेजेस डॉलर फ्रॉम द मार्केट, डॉलर को मार्केट से खरीदेगी और रुपीस को निकाल देगी। और अब इसमें देखिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट है रुपी मार्केट में ज्यादा चला गया। मार्केट में रुपी जाने का मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा हो गई रुपी की, और इससे अब क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लोग बहुत ज्यादा गुड्स की डिमांड कर सकते हैं। तो इस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए आरबीआई निकालेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Sec, और उससे क्या करेगी, G-Sec तो लोगों को दे देगी और उनसे पैसा ले लेगी। तो यहां पर आरबीआई ने मार्केट से यूएस डॉलर भी निकाल दिए, इंडियन रुपए भी निकाल दिए, तो दैट इज स्टरलाइजेशन। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, इट इज ए टू वे प्रोसेस नॉट वन वे।
इट इज ए टू वे प्रोसेस। तो आप समझिएगा कैसे ये टू वे प्रोसेस है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं हाउ इट इज टू वे प्रोसेस। मान लीजिए मार्केट में यूएस डॉलर बहुत ज्यादा है, यूएसए के जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई इनको कैसे निकालेगी, मार्केट में इनको बहुत ज्यादा खरीद लेगी और खरीदेगी तो बदले में रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूएस डॉलर मार्केट से निकाले, यूएस डॉलर मार्केट से निकल गए, लेकिन मार्केट में रुपीज बढ़ गए, अब इन रुपीज को भी निकालना पड़ेगा वरना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई इशू करेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड, ठीक है, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गए, कोई भी बॉन्ड जिसको लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो चली गई लोगों के पास और लोगों का रुपया वापिस से आ गया आरबीआई के पास। तो ऐसे आरबीआई ने दोनों चीजें मार्केट से बाहर निकाल दी, यूएस डॉलर भी और इंडियन रुपी भी, ओके। तो दैट इज स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन बेसिकली आप इसे बायोलॉजी में समझते होंगे, व्हाट इज स्टरलाइज, किसी को पूरी तरह से सुन्न कर देना। तो वैसे ही आरबीआई ने मार्केट में ना ही तो यूएस डॉलर छोड़ा ना ही रुपीज छोड़े। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है। आपकी जेब में रुपीज 1000 है, ठीक है, आप इनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कन्वर्टिबिलिटी। जब हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी खरीदना चाहते हैं तो दैट इज कन्वर्टिबिलिटी। अब कौन सी कंट्री कितनी कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ कंट्रीज में यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, तो उन कंट्रीज के लिए हम क्या कहेंगे, नो कन्वर्टिबिलिटी। जबकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप जितना भी रुपया है उसे चाहे जो करेंसी खरीद सकते हैं, उसको हम कहेंगे फुल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, हम हमारे इंडियन रुपीज से फॉरेन करेंसीज को कितना खरीद सकते हैं, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी। तो इट मींस फ्रीडम, फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू द फॉरेन वंस एट द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। जब आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, उनको यह आजादी मिल जाए कि आप उन 1000 रुपए से कोई सी भी करेंसी खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फुल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया अलाउज फुल कन्वर्टिबिलिटी इन करंट अकाउंट बट पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट में क्या आते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑफ सर्विसेज, रेमिटेंसेज इसमें आती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इनके लिए आप कभी भी अपने इंडियन रुपी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूएसए से कोई गुड्स मंगाना है, तो उसके लिए आप इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट। लेकिन आपने कई बार देखा होगा एफडीआई पे हमने लिमिटेशन लगा रखी है कि सिर्फ 75%, सिर्फ 26% एफडीआई ही अलाउ होगा, तो दैट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। जिस दिन हम कैपिटल अकाउंट में भी फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देंगे, तो उसका मतलब है हमने जितने भी एफडीआई हैं, जितने भी एफआईआई हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं, फॉरेन लोन्स हैं, उन सबको पूरी तरह से अलाउ कर दिया है, उस पर किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन हमने नहीं लगाई है, तो दैट इज फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी। अभी हमारी कंट्री में सिर्फ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। नाउ एसएस तारापुरे कमेटी, ये कमेटी थी जिसने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की वकालत की थी। लेकिन हमारी कंट्री में अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ करेंगे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे काफी एरियाज में हम 100% एफडीआई अलाउ नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्री से लोन बहुत ज्यादा लेने लग जाएंगी हमारी कॉरपोरेट, तो फॉरेन एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब इश्यूज हैं जिनकी वजह से अभी हम फुल कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट में नहीं करना चाह रहे। तो पॉजिटिव ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा, एफडीआई, एफआईआई और फॉरेन लोन, ये सब हमारी कंट्री में आएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में ओपननेस बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारी कंट्री में आकर जुड़ना चाहेंगी। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, फॉरेन फंड ये सब हमारी कंट्री में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं, इट कुड डिस्टेबलाइज एन इकोनॉमी इन केस देयर इज मैसिव कैपिटल फ्लोज इन एंड आउट। सडनली मान लीजिए कोविड-19 की वजह से जितने भी एफआईआई हैं वो सडनली हमारी कंट्री से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इससे फिर हमारी इकोनॉमी तो धराशायी हो जाएगी, सडनली काफी सारी फॉरेन कैपिटल चली जाएगी। तो आरबीआई यहां पर इन पर लिमिटेशन प्लेस करती है कि आप एक महीने में इतना परसेंट पैसा ही निकाल सकते हैं।
करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुड अफेक्ट द ट्रेड बैलेंस। अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देंगे तो फिर हमारी करेंसी पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, जिसमें सडनली मान लीजिए कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। रिस्क ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेड, स्पेक्युलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नो सीलिंग ऑन एक्सटर्नल डेप्ट मे बी डिजास्ट्रस। फिर हमारा कॉरपोरेट सेक्टर, विजय माल्या जैसे लोग हैं वो फॉरेन बैंक से लोन ले लेकर यहाँ पर भर लेंगे और दिवालिया हो जाएंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा। एंड फाइनली कॉन्टेजियन इफेक्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अदर कंट्रीज माइट अफेक्ट इंडिया आल्सो। तो यूएसए में अगर कोई क्राइसिस आया तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं की है। रुपीज कन्वर्टिबल इन करंट अकाउंट एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग फोर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। करंट अकाउंट में भी रुपी फुली कन्वर्टिबल है सिर्फ चार ट्रांजेक्शन को छोड़कर। फॉर कन्वर्जन ऑफ मोर देन $10,000 बाई एनी इंडियन टूरिस्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड। तो अगर मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट, कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन में जा रहा है, उसे $10,000 से ज़्यादा की जरूरत है, तो उसे RBI की परमिशन लेनी रहेगी। RBI एक्चुअली ये चेक करेगा कि वाकई में वो कितने दिन के टूर पर जा रहा है और उसको वास्तव में इतने ज़्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी या नहीं। फॉर एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट एनी रिक्वायरमेंट इन एक्सेस ऑफ $1,00,000, अगर कोई व्यक्ति अपने एजुकेशन ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो वहाँ पर $1,00,000 से ज़्यादा के लिए RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। रेमिटेंसेज फॉर प्राइज मनी रिसीव्ड थ्रू दी गेम शो, लॉटरी, रेसिंग, बैटलिंग एटसेट्रा। मान लीजिए कोई फॉरेनर है, वो KBC में कौन बनेगा करोड़पति में रुपए जीतता है 1 करोड़, अब उसको वो $US में कन्वर्ट करवा लेता है और पूरे के पूरे को अपने देश में ले जाना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर उसको अलाउंस नहीं किया गया है। फॉरेन करेंसी पेमेंट टू इंडियन और फॉरेन आर्टिस्ट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर किसी भी इंडियन या फॉरेन आर्टिस्ट को इंडिया में फॉरेन करेंसी में पेमेंट होता है, $US में पेमेंट होता है, तो पहले अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल वहां पर लेनी होगी। ओके, नाउ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम भी चाहते हैं कि हमारे रुपी का ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो, वर्ल्ड लेवल पे भी हो। आज मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आकर $ देता है तो आप उसे जल्दी से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है $ की वैल्यू अच्छी है और इसकी वैल्यू आपको फ्यूचर में भी मिल जाएगी, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको USA की करेंसी पर इतना भरोसा है और USA की करेंसी पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रांजेक्शन होते हैं। लेट्स से मान लीजिए इंडिया और ईरान के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और इंडिया और ईरान की करेंसी एक दूसरे की कंट्री में नहीं चलती, तो वो दोनों कंट्री भी $ में ट्रेड करेंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कंट्री भी इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे यूज की जाए, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इसे ही हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कहते हैं, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, ओके। तो रुपी विल बी टर्म्ड एज इंटरनेशनलाइज्ड इफ बैंक्स, फर्म्स, रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री स्टार्ट होल्डिंग इट फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब दूसरे कंट्री के लोग रुपी पर इतना भरोसा करने लग जाएंगे कि वो इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करने लगेंगे, अपने पास स्टोर करने लगेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में इसे स्वीकार किया जाएगा, काफी कंट्रीज जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें रुपी को यूज करने लगेंगी। नॉन रेजिडेंट्स आर ईगर टू इन्वेस्ट इन रुपी डिनोमिनेटेड असेट्स। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इंडियन रुपी बॉन्ड जैसे मसाला बॉन्ड हो गया, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन। आज हम कह सकते हैं कि कंडीशन पिछले 10-15 साल में इंप्रूव हुई है। पहले तो कोई इंडियन रुपी को लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज मसाला बॉन्ड भी अच्छे खरीदे गए हैं इंडिया का काफी कंट्रीज के साथ, जैसे कि ईरान हो गई, और काफी कंट्रीज के साथ रुपी में ट्रेड होता है। तो धीरे धीरे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी बढ़ रहा है। इट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा जहां पर हमारी करेंसी को फॉरेन कंट्रीज में भी स्वीकार किया जाने लगेगा। तो प्रीरिक्विजिट क्या क्या है? सबसे पहला तो करेंसी सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। RBI के पास मशीन पड़ी है, जिस दिन आप उसे कहेंगे वो आपको बहुत सारे नोट छाप कर दे देगी, तो उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ दैट करेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इंटरनेशनली अगर कोई इशू होता है, जैसे COVID-19 का इशू आया,
तो ऐसा नहीं हो कि सडनली करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, तो इसे जिन जिन के पास वो करेंसी होगी उन सबका दिवालिया निकल जाएगा। लेट से रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो जिन लोगों के पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए जिन्होंने स्टोर किए हुए थे, उनकी वैल्यू निकल कर आएगी 500-600। तो इतना बड़ा नुकसान उनको यहाँ पर हो सकता है। लिक्विडिटी ऑफ दैट करेंसी, कि वो करेंसी अगर आपको मान लीजिए इमरजेंसी में चाहिए, सडनली आपको उसकी जरूरत है, तो क्या वो अवेलेबल है? दैट इज लिक्विडिटी। यूएस डॉलर आपको चाहिए, आप किसी भी बैंक में जाकर मांग सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसलिए उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आज यूएस डॉलर को सबसे ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन अब मिल रहा है चाइनीज करेंसी से, लेकिन उससे भी पहले आती हैं यूरो, क्योंकि यूरो को काफी कंट्रीज में स्वीकार किया जाता है। तो अभी काफी कंट्रीज की करेंसी है जो इंटरनेशनलाइजेशन का पार्ट बन चुकी है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, सेविंग्स ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारी इंडियन रुपी को सब जगह स्वीकार किया जाने लगा, हम रुपीज देकर भी नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल को खरीद सकते हैं, सब लोगों को हम रुपीज देकर खरीद सकते हैं, तो फिर हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत क्यों है? देन व्हाई वी नीड फॉरेक्स रिजर्व? आज अमेरिका, यूएसए फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखता, उसको बड़े फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कंट्री अपने आप में एक फॉरेक्स रिजर्व है। तो अगर इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत नहीं रहेगी। इम्प्रूव्ड फॉरेन ट्रेड, हम किसी भी कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड करने के लिए हमें फॉरेक्स की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली बेटर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, जब इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो लोगों का उस करेंसी में ट्रस्ट जुड़ जाता है, फॉरेनर्स का भी, तो फिर इंटरनेशनली भी कैपिटल फ्लो हमारी कंट्री में बहुत अच्छा होता है। प्रेजेंटली कौन कौन सी कंट्रीज इंटरनेशनल करेंसीज मानी जाती हैं? 5 करेंसीज हैं जिनको एसडीआर बास्केट में भी इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट अगर किसी करेंसी को एसडीआर बास्केट में इंक्लूड कर लिया जाता है तो दैट इज ए हिंट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो ऐसी कौन कौन सी करेंसीज हैं? पहली तो है यूएस डॉलर, दूसरी है यूरो, देन पाउंड जो कि ब्रिटेन की हो गई, येन जो कि जापान की हो गई, एंड देन रेमनिबी इट इज ऑफ चाइना। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी, इनफैक्ट यूरो तो पूरा ग्रुप हो गया यूरोपियन यूनियन, जिनकी करेंसीज को इंटरनेशनलाइज किया जा चुका है। लेकिन इंडियन रुपी इज नॉट फार अवे फ्रॉम दी इंटरनेशनलाइजेशन, हमारी करेंसी भी अब इंटरनेशनलाइजेशन से ज्यादा दूर नहीं है। ये हम देख सकते हैं मसाला बॉन्ड को यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इंडियन रुपी को आज बायलेटरल ट्रेड में भी धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा है। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। होपफुली अगर हमारी ग्रोथ अच्छी रहती है, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं, तो हमारी करेंसी को भी जल्दी ही इंटरनेशनलाइज किया जा सकेगा। अब एक टर्म है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन, IIP। व्हाट इज दिस? इट इज कंपाइल्ड बाय द RBI आफ्टर एवरी क्वार्टर। इट रिफ्लेक्ट्स एक्सटर्नल असेट्स ऑफ इंडिया एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो आप देखिए इस चीज से समझिए, एक्सटर्नल असेट्स क्या क्या हुई, एक्सटर्नल असेट्स में क्या क्या आ गया, जो भी फॉरेन करेंसी असेट्स हमारे पास पड़े हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा हो गया, उसके अलावा शाहरुख खान ने जो फॉरेन में कोई टापू खरीदा है वो आ जाएगा, रतन टाटा जी ने कोई फॉरेन कंपनी एक्वायर की है वो आ जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिटीजन्स के द्वारा जो भी फॉरेन असेट्स एक्वायर की गई है दैट इज एक्सटर्नल असेट्स। अब इसी तरह से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी होती है, जैसे हमारी कंट्री के लोगों ने फॉरेन कोई लोन लिया है या फॉरेन के लोगों ने हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ताजमहल खरीद रखा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर देंगे तो दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन। और हमारी ये पोजिशन जनरली नेगेटिव है अभी दिसंबर 2019 के समय इट इज $4.2 6.5 बिलियन नेगेटिव माइनस। ठीक है, फेमा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए 1991 के साथ हमने हमारी अप्रोच भी चेंज कर दी है, पहले था फेरा जहां पर आर का मतलब है रेगुलेशन, और अब है फेमा जहां पर एम का मतलब है मैनेजमेंट। पहले हमारी कंट्री एक क्लोज्ड इकोनॉमी मानी जाती थी, हम जल्दी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे और लोगों पर काफी रेस्ट्रिक्शंस थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीद नहीं सकते थे, हमारी कन्वर्टिबिलिटी भी पूरी तरह से अलाउ नहीं की गई थी। तो वहां पर टूल वर्ड यूज होता था रेगुलेशन, जहां पर फेरा का काम था लोगों को रेगुलेट करना,
फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, अब काम है मैनेजमेंट। अब चूंकि हमने लिबरलाइजेशन को अपना लिया है, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया है, तो हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच है फैसिलिटेट करना, रेगुलेट करना नहीं, फैसिलिटेट करना। तो इसलिए फेमा, तो फेरा केम इन टू फोर्स इन 1974। द आइडिया वॉज टू रेगुलेट ऑल फॉरेन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स, पहले रेगुलेट करने का मेन आइडिया था। इसे फेमा के थ्रू रिप्लेस किया गया 1999 में, और ये बेस्ड है लिबरलाइजेशन पर। तो फेमा वॉज कंसिडर टू बी मोर लिबरल इन अलाउिंग ट्रांजेक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए फेमा को लॉन्च किया गया है। इट ईज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, पहले अगर किसी भी व्यक्ति को फॉरेन में कुछ भी खरीदना होता, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना होता, तो उसे फेरा की इजाजत लेनी पड़ती थी, और रेगुलेशंस वहां पर बहुत ज्यादा थे, तो कोई भी व्यक्ति फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन आज इसको काफी ज्यादा ईज्ड डाउन कर दिया गया है। फेमा यहाँ पर तीन एरियाज को कवर करता है, रूपी कन्वर्टिबिलिटी, कि रूपी को कितना कन्वर्ट अलाउ किया गया है, क्या उतना ही हो रहा है या नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्ट रेट, इसके साथ मिलकर काम किया जाता है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस फॉरेन एक्सचेंज में अगर नजर आए, जैसे मान लीजिए 1 लाख की लिमिटेशन है, उसके बावजूद लोगों ने 2 लाख रुपए तक की फॉरेन एक्सचेंज खरीद रखी है, तो वो जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दायरे में। आपने कई बार देखा होगा शाहरुख खान पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कार्यवाही की गई, वो इसीलिए होती है कि शाहरुख खान ने वहां पर जो फेमा के रूल्स हैं उनको ब्रीच किया है। बोरोविंग्स बाय दी कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर को मार्केट से कोई पैसा खरीदना है तो उसको भी यहाँ पर फेमा के द्वारा ही फैसिलिटेट या मैनेज किया जाता है। तो ये तो बात थी फॉरेन एक्सचेंज या उससे रिलेटेड आस्पेक्ट की। अब हमने फॉरेक्स देखा है, तो साथ में हम फॉरेन ट्रेड को भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेड सारा फॉरेक्स पर निर्भर करता है, ठीक है। फॉरेक्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फॉरेन ट्रेड को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दो चीजें, दैट इज फॉरेन ट्रेड। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे पहले हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाई, क्यों। सोच के देखिए, व्हाई वी डू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जरूरत क्यों है, हम क्यों करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है। आज हम नेचुरल ऑयल की बात करें, हमारी कंट्री में नेचुरल ऑयल नहीं है इसलिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम नेचुरल ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आज जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं वो नहीं चल पाएंगी। एक्सपोर्ट हम क्यों करते हैं, कोई चीज या तो हमारे पास एक्सेसिव है तो उससे हम कुछ फॉरेक्स कमा ले, ठीक है, कुछ अर्निंग हम कर ले, या फिर अगर हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आइटम को बेचेंगे तो इससे हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो दैट इज एक्सपोर्ट। तो इसलिए हम फॉरेन ट्रेड में इंगेज रहते हैं, ठीक है। अब सिंपली एक चीज को सोचकर देखिए, आप बाजार से सामान खरीदने क्यों जाते हैं, आपको अनाज चाहिए आप खुद भी उगा सकते हैं, कोई और चीज चाहिए आप खुद भी उगा सकते हैं, लेकिन आप अपने मेन एरिया पर फोकस करना चाहते हैं और ये सब चीजें आप बाजार से ले आते हैं, तो इसी तरह से फॉरेन ट्रेड होता है। तो फॉरेक्स अर्न करना, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही, इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी जरूरी है। अब इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये याद रखिएगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इम्पोर्ट में हमें इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल मिलेंगे, जैसे नेचुरल ऑयल हो गया, जो नेचुरल गैस हो गई, जो हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक्सपोर्ट, जो भी गुड्स हम बेचेंगे, वैल्यू एडेड गुड्स, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इट नॉट ओनली एक्सीलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाई एक्सपांडिंग ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो मेक इंडिया ए ग्लोबली वाइब्रेंट इकोनॉमी, इंडिया को यह एक ग्लोबली वाइब्रेंट इकोनॉमी भी बनाता है। एक्सक्यूज मी, अगला पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज इनहेंसेज द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड आल्सो इनहेंसेज टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड। अब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड अगर होगा तो हमारी एग्रीकल्चर हम प्रमोट कर सकते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हमें मिलेंगी एग्रीकल्चर और काफी एरियाज में। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सर्विसेज एंड आल्सो प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स एट द बेटर कंपेरेटिव प्राइसेज।
जैसे मान लीजिए आपको पता हो तो 1990s में सिर्फ कुछ चुनिंदा बाइक्स, कुछ चुनिंदा कार्स आया करती थी। आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कार के मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? फॉरेन ट्रेड की वजह से। फॉरेन ट्रेड इंक्रीजेज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट्स हेल्दी रिलेशन अमंग द नेशन। जिन जिन कंट्रीज के बीच में अच्छे फॉरेन रिलेशन होते हैं, ट्रेड रिलेशन होते हैं, उनके फिर ऑटोमेटिकली दूसरे रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। अगर इंडिया और चाइना में हम देखें तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज ट्रेड रिलेशन। आज यूएसए के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें ट्रेड रिलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूएसए इज नाउ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा यूएसए के साथ ही होता है। अब दो कॉन्सेप्ट है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपनी बॉडी को लीजिए, अपनी बॉडी में आप कुछ भी नहीं खाएंगे एकदम से, ना ही पानी पियेंगे, ना ही खाना खाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज बॉडी। तो ऐसे ही इकोनॉमी में अगर हम ना ही हमारी कंट्री में ना ही तो हम इंपोर्ट करेंगे, ना ही यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पूरी तरह से अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी क्या हुई? जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों को अलाउ किया जाता है। ओपन इकोनॉमी सेड टू बी वन दैट विच ट्रेड्स विद द अदर नेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ किया जाता है, जहां पर कैपिटल को अंदर बाहर आने देना अलाउ किया जाता है, मतलब FDI आ सकती है, FII आ सकती है, फॉरेन कंट्रीज में जाकर हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, रतन टाटा जी किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, जैसे WTO हो गया या किसी एक कंट्री के साथ हमने FTA साइन किया, तो ये सब यहाँ पर ओपन इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। टोटल फॉरेन ट्रेड इज इक्वल टू इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट एज ए प्रपोर्शन ऑफ GDP, और ये मेजर है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी का। क्लोज इकोनॉमी जहां पर वर्ल्ड के साथ कोई लिंकेजेस नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किए जाते। तो आप मुझे एग्जांपल दीजिए किसी क्लोज इकोनॉमी का, सोचिए एक बार क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल आप मुझे दीजिए, आई एम वेटिंग। क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल दीजिए जहां पर इंपोर्ट रेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किए जाते, या जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम है। सोच के एक बार आंसर करने की कोशिश करें, क्लोज इकोनॉमी का एग्जाम्पल। I'm waiting, कमेंट्स में लिखिए। चलिए, मुझे लगता है आप यहां पर कोई आंसर नहीं है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्लोज इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा यहां पर अलाउ नहीं किए जाते। हालांकि आज के वर्ल्ड में हम कह सकते हैं ना ही तो कोई कंट्री पूरी तरह से ओपन है, ना ही कोई कंट्री पूरी तरह से क्लोज है, बट वी विल प्लेस नॉर्थ कोरिया हेयर, वेरी क्लोज टू द क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 में हुआ क्या था? ड्यूरिंग 1991 इंडिया वॉज फेसिंग हाई इन्फ्लेशन विथ वेरी लो ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत कम थे, जो सिर्फ 3 वीक का इंपोर्ट कवर कर सकते थे, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पर किसी को ट्रस्ट भी नहीं था। तो ये सब इश्यूज 1991 में हमने फेस किए। इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे? पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो हमने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक्सेसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इनएफिशियंट थी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं थी, एक्सपोर्ट वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, करप्शन की वजह से इनोवेशन नहीं हो पाते थे, FDIs हमारी कंट्री में अलाउ नहीं किए गए जिसकी वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी कैपिटल हमें नहीं मिली, PSUs हमारी सिक रहती थी जिससे हमारी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा बर्डन आता था, जो रिसोर्सेज वेलफेयर स्कीम पे खर्च किए जाने चाहिए थे वो इन सिक PSUs पर खर्च किए जाते थे, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, अलग से एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता था, लोगों को खुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फ्री में मुफ्त में चीजें बांटती फिरती थी, ग्लोबल सिचुएशन, गल्फ क्राइसिस, इन सब की वजह से क्रूड ऑयल काफी महंगा हो गया था, तो इसे हमारा इंपोर्ट काफी महंगा हो गया था, तो इन सब की वजह से हमारा ट्विन डेफिसिट बढ़ा। ट्विन डेफिसिट में 2 डेफिसिट यूज होते हैं, हाई फिस्कल डेफिसिट, दूसरा हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये दोनों डेफिसिट हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से हमें ट्विन डेफिसिट झेलना पड़ा।
गोमेंट के डेप्थ भी बढ़े और हमारे इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, तो दोनों तरफ से हमें नुकसान हो रहा था। ना ही तो हमारी गोमेंट रिवेन्यू कमा पा रही थी और ना ही हम बाहर से एक्सपोर्ट के थ्रू कमा पा रहे थे, तो हमारी गोमेंट पर ड्यूअल बर्डन आ गया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 झेलना पड़ा। सो इट इज सेड दैट इम्पोर्ट कवर वॉज वेरी लो। हमारा इम्पोर्ट कवर सिर्फ इतना था जो 3 वीक के इम्पोर्ट्स को सस्टेन कर सकता था। तो इट वॉज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा, जिन्होंने हमें कंडीशनल लोन प्रोवाइड किया, और इस सिचुएशन को वजह से हमें LPG रिफॉर्म्स अडोप्ट करने पड़े। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से कि हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पर कितने होते हैं, कौन कौन से आइटम के हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से आइटम्स के हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री से हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन 2018 and 2019, एक्सपोर्ट अराउंड 23 लाख करोड़, इम्पोर्ट अराउंड 35 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, तो ये हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट आइटम्स क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स, USA सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये आप याद रखिएगा। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से USA है, देन चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया एंड हांगकॉन्ग। टॉप इम्पोर्ट कंट्रीज इम्पोर्टिंग, चाइना जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, USA नंबर 2 पर, UAE, सऊदी अरेबिया एंड इराक। और टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज USA, UAE, चाइना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्ट तो हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है, और एक्सपोर्ट हमारा चाइना में बहुत कम है, ये तीसरे नंबर पर आता है, हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर। तो ये कंट्रीज है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन। अभी देखिए, आपने देखा होगा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ऐसे ही काफ़ी यहाँ पर ट्रेड ट्रीटीज होती है, काफ़ी तरह के एग्रीमेंट होते हैं, प्रिफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन एंड कस्टम मैनेजमेंट, यूरोपियन यूनियन, तो ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। यहाँ पर क्या होता है, अंडर दिस मेंबर कंट्रीज, जैसे मान लीजिए इंडिया और USA के बीच में PTA साइन होता है, तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को कम करते हैं। ट्रेड बैरियर्स को कम करने का मतलब एक दूसरे की कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है उसको कम करेंगे, जो बैरियर्स लगा रखे हैं कि हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे उसको कम करेंगे, तो दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इन PTA मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट टू क्रिएट ट्रेड रिलेशन विद द नॉन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, नॉन मेंबर कंट्रीज पर यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेट से इंडिया और USA के बीच में PTA साइन हो रहा है, तो इंडिया अब जापान के साथ कैसा PTA साइन करता है, जापान के साथ कैसे ट्रेड रिलेशन बनाता है, इन दोनों का यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दिस एग्रीमेंट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन गुड्स, एग्जांपल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन 1992, साउथ पैसिफिक रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, SAARC का जो ये हो गया, तो ये सब यहाँ पर इंक्लूड, सॉरी इट इज नॉट ऑफ SAARC, इट इज साउथ पैसिफिक, साउथ रीजन और पैसिफिक रीजन। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब है फ्री ट्रेड एरिया। व्हाट इज फ्री ट्रेड एरिया? इट डील्स विद द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर्स जो टैक्स रेट से रिलेटेड हो गए, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कोटा रेस्ट्रिक्शन हो गई कि हम हमारी कंट्री में सिर्फ 1000 OD कार्स को ही अलाउ करेंगे, तो दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर। तो इट इज अमंग द मेंबर कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप, जो अभी जैसे RCEP साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रीज एक दूसरे के लिए अपनी बॉर्डर्स को ओपन कर देंगे और एक दूसरे के बीच में ट्रेड को अलाउ करेंगे। मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट टू क्रिएट अदर ट्रेड रिलेशंस विद द नॉन मेंबर कंट्रीज। यहाँ पर भी ये जो इंडिपेंडेंस है वो अलाउ की गई है। ठीक है, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो इट इज नॉट RCEP। RCEP में देखिए ये यहाँ पर नॉन ट्रेड मेंबर्स, नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ अभी इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है।
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ये सेकेंड स्टेज हुई, गाफ्ता, साफ्ता, आफ्ता, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा है कस्टम्स यूनियन। अंडर दिस ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर्स नॉट ओनली एलिमिनेट ऑल ट्रेड बैरियर्स बट दे आल्सो फॉलो ए कॉमन पॉलिसी टुवर्ड्स द नॉन मेंबर कंट्रीज दैट इज कस्टम यूनियन। मतलब मान लीजिए एशियन है, ठीक है, एशियन तो चलिए अभी आगे आएगा, लेट से ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है, ये यहाँ पर कस्टम यूनियन साइन करती है, तो इस ईस्ट एशियन कम्युनिटी के मान लीजिए 5 मेंबर हैं, तो ये एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर देंगे। उसके अलावा दूसरे अगर किसी ग्रुप किसी कंट्री के लिए इनको ट्रेड रिलेशन बनाने हैं तो वो भी इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। सो इट इज थर्ड स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कॉमन मार्केट और सिंगल मार्केट, जैसे एशियन हो गया, ठीक है, नाउ द एशियन, यहाँ पर जैसे 10 कंट्रीज हैं, तो इन यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। मेंबर नॉन मेंबर के लिए भी सेम पॉलिसीज को अपनाते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ कैपिटल ही नहीं लेबर भी पूरी तरह से अलाउ किया जाता है। तो जैसे एशियन के 10 मेंबर्स हैं, ये आपस में क्या क्या अलाउ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ओपन है, लेबर पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा, कैपिटल पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा, और अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन करना है तो ये पूरा एशियन ग्रुप ही एक साथ करेगा। जैसे आरसेप को आप देखिए, तो आरसेप में यहाँ पर पूरा का पूरा एशियन इन्वॉल्व है, वो इसीलिए क्योंकि जो और दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नॉन मेंबर्स के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस पूरे ग्रुप के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। इकोनॉमिक यूनियन, इट हैज फीचर ऑफ बोथ कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट। तो कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट जो भी हमने देखा उसके यहाँ पर दोनों के आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। इट इज ए ट्रेड ब्लॉक, ट्रेड बैरियर्स आर रिमूव्ड, कॉमन पॉलिसीज आर अडोप्टेड एंड नॉन मेंबर्स के साथ रिलेशन भी कॉमन रहेंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पूरी तरह से अलाउ की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स अंडर इकोनॉमिक यूनियन मेंबर कंट्रीज आल्सो अडोप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर एक कंट्री ने लिबरलाइजेशन अपनाया है तो बाकी की दूसरी कंट्री भी लिबरलाइजेशन अपनाएंगी, तो दैट इज कस्टम यूनियन। और इन सबसे बड़ा आता है मॉनेटरी यूनियन लाइक द यूरो जोन। यहाँ पर सिर्फ आप ट्रेड को ही पूरी तरह से अलाउ नहीं कर रहे हैं, पूरा इकोनॉमिक गवर्नेंस आपका एक सेम रहेगा, जैसे ईयू की सेम करेंसी है, ईयू के लिए सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ट्रेड कमीशन है, सेम डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तो दैट इज लाइक द मॉनेटरी यूनियन। तो यूरो जोन को हम मॉनेटरी यूनियन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए 6 चीजें हमने डिस्कस की। सबसे पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, देन फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कस्टम मार्केट, यूरोपियन यूनियन एंड देन फाइनली वी सो द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, दैट इज मॉनेटरी यूनियन। अब जाते जाते एक बार इंडिया में फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हम आस्पेक्ट को देख लेते हैं। तो इंडिया में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमारी कंट्री की जो भी मेन ट्रेड पॉलिसीज है वो इसी के द्वारा फॉर्म की जाती है और बाकी की दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन का काम भी इसी का ही होता है। जैसे प्रेजेंट हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, हु इज द कॉमर्स मिनिस्टर, प्लीज आंसर, आई एम वेटिंग, कमेंट्स में आंसर कीजिए, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। प्लीज आंसर इन द कमेंट्स, हु इज द कॉमर्स मिनिस्टर, आई थिंक यू डोंट नो। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, हैव यू हर्ड। तो जब भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस की बात आती है, FTA इन सब की बात आती है, तो आपको वहां पर पीयूष गोयल इनका रेफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड, दिस इज द सेकंड बॉडी, इट मेंटेन्स द ट्रेड रिलेशन एंड पॉलिसी मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज टेक करेक्टिव एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी मेजर डिसीजंस हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, फॉरेन एस्पेक्ट से रिलेटेड, फॉरेन मेजर से रिलेटेड, वो इस बोर्ड ऑफ ट्रेड के द्वारा लिए जाते हैं। कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, अब कमोडिटी जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन, कोल के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर कुछ कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो दे हेल्प इन ट्रेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल कमोडिटी।
ओके, जैसे आयरन ओर हो गया, उसके लिए अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सर्विसेज के लिए, आईटी के लिए हमने अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया हमने बैंकिंग चैप्टर में भी देखा था, इसे 1982 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द एक्जिम एक्ट, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, होली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, एक्जिम बैंक 100% गवर्नमेंट के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। और एक्जिम का पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो बेसिकली इसका काम क्या है? हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, और किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, किसी फॉरेन इम्पोर्टर को अगर कैपिटल की जरूरत है ताकि वो हमारे से इम्पोर्ट कर सके, तो उसे कैपिटल प्रोवाइड करवाने का काम भी एक्जिम बैंक करती है। मेजर रिसेंट स्कीम टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, सबसे पहली है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। कई बार देखिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, जैसे पोर्ट हो गया, पोर्ट पे डेवलपमेंट हो, इनलैंड वाटरवेज हो गए, और मेजर सी रूट्स हो गए, तो इनको डेवलप करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई। इसके दो पार्ट हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी यहाँ पर गुड्स को सेल करते हैं उनको यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और जो सर्विसेज को सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इस स्कीम के तहत इंसेंटिव्स मिलते हैं। ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगेन इट इज रिलेटेड टू बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो पहली स्कीम थी ये सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, लेकिन ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों से रिलेटेड है। अंडर दिस दोज इम्पोर्ट्स आर ड्यूटी फ्री विच आर इनपुट फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अब इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, वेरी गुड पॉइंट। जैसे कई बार क्या होता है, लेट से हमें स्टील बनाना है, ठीक है, स्टील बनाने के लिए हमें चाहिए कोल, या फिर कोई ऐसी चीज हमें चाहिए जो हम इनपुट के रूप में यूज करेंगे, और वो हमें बाहर ही अवेलेबल है, उसका हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो यहाँ पर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गई। तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई कि ऐसे गुड्स जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है उनको हम कम से कम चार्ज करें, उन पर हम कम से कम टैक्स लगाएं। इस स्कीम के चार सब पार्ट हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स। और इन चारों स्कीम्स के तहत जो भी यहाँ पर इंपोर्ट होगा, अगर मान लीजिए उस पर टैक्स ज्यादा लगा ऐसे इनपुट पर, तो बाद में उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, उस पर वहां पर फायदा मिल जाता है, इंसेंटिव्स वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, अब इस स्कीम में कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। सो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए हो सकता है हमें किसी मशीनरी की जरूरत हो, तो उसके लिए फिर यहां पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देखिए वैसे तो ये 2020 तक ही थी, लेकिन इसे मार्च 2021 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर ऑल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस कॉमेट आइटम्स के तहत यहाँ पर डिजिटलाइज किया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। ई गवर्नेंस बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस है, ताकि जल्दी से जल्दी कस्टम्स पर गुड्स को क्लियर किया जा सके। मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट, दोज आइटम्स हुज एक्सपोर्ट कैन नॉट बी डिलेड और विथहेल्ड बिकॉज ऑफ सम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज दी कंसाइनमेंट। तो इन कंसाइनमेंट के मूवमेंट को भी यहाँ पर बहुत सही किया गया है, बहुत फास्ट किया गया है। और वाट इज कंसाइनमेंट, यहाँ पर वो एक्सपोर्ट आइटम्स आएंगे। कई बार क्या होता है, एक्सपोर्ट के कुछ आइटम्स हैं, अगर उनको हम जल्दी नहीं भेजेंगे तो वो खराब हो सकते हैं, जैसे लेट से वेजिटेबल्स हो गई, फ्लोअर्स हो गए, तो ऐसी कंडीशन में उनको कंसाइनमेंट के रूप में तुरंत एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ईपीसीजी ऑथराइजेशन, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ऑथराइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स बाय द ईपीसीजी,
अंडर दिस पॉलिसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की पॉलिसी भी यहाँ पर लॉन्च की गई है. सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फाइनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. नाउ व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? जस्ट वन सेकेंड. ऐसे कुछ स्पेशल जोन जहां पर हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को ही एस्टैब्लिश करेंगे, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको जिनसे हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऐसी इंडस्ट्रीज को ही हम यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो दे आर लोकेटेड विद इन द कंट्री, हालांकि ये कंट्री में लोकेटेड है लेकिन इसमें वही कंट्रीज वही कंपनीज एस्टैब्लिश होंगी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे फॉरेन ट्रेड को एनहेंस करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, जॉब बढ़ाना, इफेक्टिव एंड स्मूथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब से मिलकर फाइनली हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना. और ये वो जोन होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट पर 0% ड्यूटी लगाई जाती है. ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो चलिए जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा, अनअकैडमी अंडरस्कोर विष्णु इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें. यहाँ पर आपको मेरी जो भी लेटेस्ट क्लासेज हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें विष्णु कोड यूज करना ना भूलें, आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा. चाहे आईएएस हो, बैंकिंग हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, अनअकैडमी पर कोई भी एग्जाम, कोई भी कोर्स, उसे ज्वाइन करते समय आप इस कोड को यूज करके 10% का फायदा उठा सकते हैं. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्पेशल क्लासेज मिलेंगी. आप मुझे विष्णु अग्रवाल के नाम से सर्च कीजिएगा, मेरी जो भी फ्री स्पेशल क्लासेज हैं फिर आपको अवेलेबल हो जाएंगी. मुझे फॉलो करना आप ना भूलें. ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. प्लस में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों कवर किए जाएंगे. अब ऑप्शनल के प्लान को अलग कर दिया गया है. आइकॉनिक में एक पर्सनल कोच आपको असाइन कर दिए जाएंगे जो डेली बेसिस पे आपको गाइड करेंगे, और डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपकी करवाई जाएगी. तो जीएस प्लस इस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको काफी प्लान्स दिए गए हैं जिसमें 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स के प्लान्स बेस्ट माने जाते हैं. आइकॉनिक में भी 3 प्लान्स आपको दिए गए हैं जो तीनों ही प्लान बेस्ट हैं. आप एग्जाम के कौन सी स्टेज पर हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा प्लान ज्वाइन करें. नाउ दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे यूज करते ही आपको इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा. जैसे 1,07,000 की जगह आपको 96,300 रुपीज पे करने रहेंगे. आपको ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और मैं पर्सनली आपको मेंटर करूंगा. ऑप्शनल के भी अब कोर्सेज अलग कर दिए गए हैं जहां पर आपको काफी चॉइसेस दी गई है जिसमें 1 ईयर्स का प्लान बेस्ट माना गया है. तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. अगर आपका कोई डाउट है तो फाइनली आप मुझे कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.